आजा रे ओ मेरे दिलबर आजा, दिल की प्यास बुझा जा रे नूरी नूरी। आज पूरे 100 साल के बाद मैं इस कुएं से बाहर आई हूँ। मुझे इस रात का बेसब्री से इंतजार होता है। इन गांव वालों ने मुझे कुएं में डुबो के मारा था। मेरा दोषी क्या था? मुझे अपने बच्चे के लिए बस पानी लेके जाना था। इन गांव वालों को लगा कि मैं पानी चुराने आई हूँ। मैंने कितने लोगों के आगे हाथ पांव जोड़े कि नहीं, मैं पानी चुराने नहीं आई, बस मुझे थोड़ा पानी दे दो, मेरा बच्चा बहुत प्यासा है। इन गांव वालों ने मेरी एक ना सुनी और मुझे कुएं में डुबो के मार दिया। आज मेरी आत्मा भटकती है, मेरा बच्चा घर में अकेला होगा। मैं इस गाँव के एक एक बंदे को मार दूंगी, किसी को नहीं छोड़ूंगी। आज की रात मेरी शक्तियाँ 100 गुना बढ़ जाती हैं। आज की रात खत्म होने से पहले पहले मुझे सबको मार देना है। जैसे ही रात खत्म होगी मेरी सारी शक्तियाँ चली जाएंगी और मुझे इस कुएं में वापस जाना होगा। गांव वालों को क्या लगता है कि नूरी को मार के गांव वाले सुकून से जी लेंगे? जब नूरी सुकून से नहीं जी पाई, नूरी की आत्मा भटक रही है, तो नूरी कैसे इन लोग को सुकून से जीने देगी? नूरी आ गई है तुम सबका सुकून चैन सब बर्बाद करने। मेरी भूख का इलाज चिकन कुकड़ू को, मेरी भूख का इलाज चिकन कुकड़ू को, आज चिकन डिनर नहीं करूंगी, इंसानों का गोश्त खाऊंगी, मजे मजे लेके खाऊंगी। इनसे बदला भी तो लेना है, इन्होंने नूरी को मारा था। आज मेरा दिल इतना क्यों घबरा रहा है? मुन्ना भी बेमतलब रोए जा रहा है। मैंने चेक भी कर लिया, ना उसके पेट में दर्द है, ना मुन्ने को बुखार है, मुन्ना क्यों रोए जा रहा है? ऊपर से आज मौसम में हवा भी नहीं चल रही, आज कुछ अलग ही दहशत है, हर जगह वीरानी सी छाई है। मुझे पता है कि आज अमामस की रात है, पर अमामस की रात तो हर साल आती है, आज की रात में ऐसा क्या खास है जो हर तरफ वीरानी छाई है? घर में कोई बंदा भी नजर नहीं आ रहा, मुझे इस गांव में आना ही नहीं चाहिए था, मैं क्यों इस गांव आ गई? मैं बेचारी भी क्या करती, मेरे पास घर किराया देने के लिए पैसे नहीं थे, सेठ ने मुझे घर से निकाल दिया, किराया कितना महंगा हो गया, फिर इस गांव आना पड़ा। इस गांव में किराया थोड़ा सस्ता था, लेकिन जब से इस गांव आई हूँ परेशान होकर रह गई हूँ, एक भी रात मेरी सुकून से नहीं गुजरी है। पता नहीं मेरे मुन्ने को क्या हो गया, क्यों मेरा मुन्ना इतना रो रहा है? क्योंकि इस रात मैं उतरती हूँ, मैं पूरे 100 साल के बाद अमामस की रात का मुझे इंतजार होता है। तुम गांव वालों को मैं नहीं छोड़ने वाली, तुम लोगों ने मुझे मारा था और तुम लोग सुकून से रह लोगे? ऐसे कैसे हो सकता है? मैं नूरी हूँ, मैं जहाँ चाहती हूँ वहाँ जाके बर्बादी फैला देती हूँ। मैं क्या करूँ, किससे अपने दिल की बात शेयर करूँ? मुन्ने का चुप होने का नाम ही नहीं है। चुप हो जा मेरी जान, चुप हो जा। मेरे पास भी ऐसे ही बच्चा था जो गांव वालों ने मुझसे छीन के और मुझे कुएं में फेंक दिया था। मुझे बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं, जिनके पास बच्चे होते हैं उनको मैं एक्स्ट्रा प्यार देती हूँ, तो उनमें से एक है। मैं तेरे बच्चे को तुझसे बहुत दूर ले जाऊंगी, अब तेरा बच्चा तेरा नहीं रहेगा। आज की रात खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही, कितनी लंबी रात है, मैंने रात तो यूं ही आज झपकते ही गुजर जाती है। आज मैं करवटें बदल बदल के भी थक गई, मुन्ना बिस्तर पे लेट ही नहीं रहा, मुन्ने को लेके मुझे टहल लगानी पड़ रही है। ऐसा करती हूँ सविता के पास जाती हूँ, उससे पूछती हूँ आखिर माजरा है क्या। जब से मैं इस नए गाँव में आई हूँ एक के बाद एक मुसीबत आई जा रही है, ऐसा लग रहा है इस गाँव पे किसी का शाप है जो हम लोगों को सुकून से जीना ही नहीं दे रहा। इस गाँव में तो मैं सविता बहन को ही जानती हूँ। सविता बहन से पूछती हूँ आखिर इस रात में ऐसा क्या खास है जो हर जगह से अजीब अजीब सी आवाजें आ रही हैं, ड्रोनी ड्रोनी सी, तो मेरे भी सुकून नहीं मिल पा रहा, ऐसा शोर हो रहा है जैसे कि मेरे कान के पर्दे फट जाएंगे, मैं बहरी हो जाऊंगी, ये चल क्या रहा है? मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, ऊपर से मुझे मुन्ना को छोड़ के आना पड़ा। ये रात पूरे 100 साल की बात आती है, इस रात मैं आसमान से उतरती हूँ, इसलिए ये रात खास होती है मेरे लिए। सबको मार दूंगी, सबसे बदला लूंगी। ऐसा लगता है सविता बहन घर पे नहीं है, जाऊं या नहीं जाऊं, मुन्ना घर पे अकेला है, उसको छोड़ के जाने का मन नहीं है। जो सविता बहन तुम मुझे मिल गई, आज की रात क्या है ऐसा जो इतना सन्नाटा छाया हुआ है, कितनी खतरनाक सी आवाजें गूंज रही हैं? तुम भी जानती इस गांव में क्या हुआ था? नहीं मुझे तो नहीं पता। सविता बहन तुम मेरे साथ घर चल लो, मुन्ना घर पे अकेला है, लेकिन मुझे बताओ जरूर कि आज की रात क्या हुआ था। तुम्हें पता है आज की रात पूरे 100 साल के बाद आती है, अमामस की रात होती है, इस साल नूरी उतरती है। नूरी, नूरी को तुम जानती भी नहीं होगी कि नूरी कौन है। नहीं सविता बहन, मैं नहीं जानती नूरी कौन है। नूरी इसी गांव में रहा करती थी, उसके पास उसका एक छोटा सा बच्चा था जैसा बच्चा तुम्हारी गोद में। फिर क्या हुआ, नूरी अपने बच्चे के लिए पानी लेने आई थी। गांव वालों को नूरी के लिए गलतफहमी हुई कि नूरी हर रात आके पानी चुराती है, गाँव में ले जाके बेचती है। नूरी ने उससे बहुत कहा कि नहीं बस मैं एक ही बाल्टी लेने आई हूँ, मेरा बच्चा बहुत प्यासा है। फिर क्या हुआ, गाँव वालों ने इसकी एक ना सुनी, नूरी का बच्चा उससे छीन के उसको कुएं में फेंक दिया। तब से उसकी आत्मा भटकती है हर अमावस की रात, और ये अमावस की रात हर 100 साल के बाद आती है। मनी, इस वक्त गांव में सबसे छोटा बच्चा तुम्हारा है, यानी तुम्हारे बच्चे को सबसे ज्यादा खतरा है उस नूरी से।
मैं अपने बच्चे को कुछ नहीं होने दूंगी। मैंने अपने बच्चे को बहुत मन्नतों से मांगा है, पर मेरा मुन्ना ही तो है मेरे जीने का सहारा। मनी, अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारे बच्चे को कुछ ना हो, तो 3-4 दिन के लिए अपने बच्चे को यहाँ से बहुत दूर ले जाओ, वरना तुम्हारे बच्चे को नूरी के कहर से कोई नहीं बचा पाएगा, कोई भी नहीं। नहीं, मैं अपने बच्चे को कुछ भी नहीं होने दूंगी। मैं तो नूरी को जानती भी नहीं हूँ, फिर नूरी मेरी क्यों दुश्मन है? मैंने कहा है ना कि वो बच्चों की दुश्मन है, और इस वक्त गाँव में सबसे छोटा बच्चा तुम्हारा है। रुकमणि, अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारे बच्चे को कुछ ना हो, तो अपने बच्चे को यहाँ से बहुत दूर ले जाओ। आज की रात नूरी की शक्ति दुगनी हो जाती है, इसलिए कहती हूँ अपने बच्चे को बचा लो, वरना बहुत पछताओगी। मैं अपने मुन्ना को यहाँ से बहुत दूर ले जाऊंगी, मैं मुन्ना को माँ के पास छोड़ आऊंगी। मेरे पास मुन्ना के अलावा है ही क्या? पहले मुझे ये छोड़ के चले गए, मेरे पास मेरे जीने का आखिरी सहारा मेरा मुन्ना ही तो है। अब समझ में आया कि सुबह से मेरा मुन्ना इतना क्यों रो रहा था। मेरे मुन्ने ने खतरे को भाप लिया था। मेरी माँ कहा करती थी कि मासूम बच्चों को सब कुछ दिखता है, क्या पता से नूरी को देख लिया, तभी सुबह से रोए जा रहा है, रोए जा रहे। रोते रोते मेरे मुन्ना को कितना तेज बुखार हो गया। ऐसा करती हूँ, पहले इसको डॉक्टर के पास लेके जाती हूँ, इसका दूध और दवाई खरीद के फिर माँ के पास छोड़ आऊंगी। पता नहीं कौन सी मनहूस घड़ी थी जो मैंने इस गाँव में आने का फैसला किया, पर मैं बेचारी भी क्या करती, मेरे पैसे नहीं थे कि मैं अपने घर का किराया चुका पाती। इस गाँव में बहुत कम किराया था, अब मेरी समझ में आया इस वजह से गाँव का कम किराया है कि कोई इस गाँव में बसना ही नहीं चाहता। मैं नादान थी, सबसे अनजान थी। नहीं मुन्ना, मत रो, मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगी। मैं अपनी जान भी खेल जाऊंगी, लेकिन अपने बच्चे को कुछ नहीं होने दूंगी। मुझे माँ के पास ही जाना होगा। माँ के पास जाते जाते मुझे रात हो जाएगी, फिर मुझे लौट के भी आना है, लेकिन अपने मुन्ना की खातिर मैं जाऊंगी। काश मुन्ना के पापा जिंदा होते, तो मैं यूं सब कठिनाइयों से अकेली ना लड़ रही होती। वो क्यों बीमार पड़े? मेरे पास इतना पैसा नहीं था कि मैं उनका इलाज करवा पाती। आखिरकार वो हमें छोड़ के चले गए और मैं अकेली पड़ गई। माँ का घर आ गया, माँ को बताती हूँ। माँ को कहती हूँ, माँ 1-2 दिन के मुन्ना को रख लो। पैदल आते आते मेरे पाँव पे बड़े बड़े छाले पड़ गए, पर मुन्ना की जिंदगी के सामने मेरे पाँव के छाले कुछ नहीं है। बस माँ घर पे हो, माँ कहीं गई भी ना हो, मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है, मुझे वापस अपने घर भी लौटना है। मैं नहीं चाहती कि नूरी को मुझ पे शक हो। अगर नूरी को मुझ पे शक हो गया, उसको पता चल गया कि मैं मुन्ना को यहाँ लेके आ गई हूँ, तो वो मेरा पीछा करते करते यहाँ आ जाएगी। माँ माँ मनी, आज तो मेरे घर का रास्ता कैसे भूल गई? माँ अब तुम्हें क्या बताऊँ? माँ, हमारे गांव में नूरी आ गई है। नूरी? कौन नूरी? माँ, बहुत लंबी कहानी है। नूरी एक चुड़ैल है, चुड़ैल। वो मेरे बच्चे को मुझसे छीनना चाहती है। माँ, जानती हो माँ कि मैंने मुन्ना को कितनी मन्नतों से पाया है। मैं अपने मुन्ना को नहीं खोना चाहती। मेरा जीने का सहारा आखिरी मेरा मुन्ना ही तो है। पर ये नूरी चुड़ैल हमारे मुन्ना के पीछे क्यों पड़ी है? माँ, बहुत लंबी कहानी है। माँ, वो हर 100 साल बाद जिंदा होती है, उसकी ताकत दुगनी हो जाती है। वो बच्चों से प्यार करती है। माँ, गांव में सबसे छोटा बच्चा जिसका होता है, उसको बच्चे को अपने साथ ले जाती है। माँ, ये तुमने बहुत अच्छा किया रुकमणि कि तुम मेरे पास आ गई। अब तुम 1-2 हफ्ता रुक के जाना। नहीं माँ, मैं बस मुन्ना को छोड़ने आई हूँ। अगर मैं तुम्हारे पास रुक गई, तो उसको मुझ पर शक हो जाएगा। माँ, वो मेरा पीछा करते करते यहाँ तक आ जाएगी। मुझे वापस जाना होगा। माँ, अगर मैं भी यहाँ रुक गई, तो वो मेरे बच्चे को यहाँ आके ले जाएगी, मुझसे बहुत दूर। मनी, अब तो काफी रात हो गई है, तुम इतनी रात में कैसे अकेले लौटोगी? माँ, मैं लौट जाऊंगी, मुन्ने से ज्यादा नहीं है। माँ, तुम बस मेरे मुन्ने का ध्यान रखना। माँ, मेरा मुन्ना सुबह से रो रहा था, इसको बहुत तेज बुखार है। माँ, मैंने इसको दवाई खिला दी है, इसका दूध और दवाई तुम्हें दे के जा रही हूँ। माँ, तुम फिक्र मत करो, मैं मुन्ने को संभाल लूंगी, तुम बस अपना ध्यान रखना। माँ, मैं अपना ध्यान रख लूंगी, तुम बस मेरे मुन्ने को कुछ नहीं होने देना। माँ, भी नूरी नाम की मुसीबत क्या आ पड़ी है? माँ, नूरी चुड़ैल है, चुड़ैल। वो मेरे बच्चे को नुकसान पहुंचाना चाहती है। माँ, पर नूरी तो मुन्ना को ढूंढते ढूंढते यहाँ तक भी आ सकती है। बेटा, नहीं माँ, वो यहाँ पे नहीं आएगी। हमारे घर के पास एक कुआं है माँ, उसमें नूरी को मार दिया गया था। बस नूरी की हुदूद वहीं तक है, वो उसके सराउंडिंग घूमती रहती है। माँ, वो इतने दूर तक नहीं आएगी, उसकी इतनी शक्ति नहीं है। बेटा, रात काफी हो गई है, मैं तो कहूँगी तुम सुबह होने के बाद चली जाना। नहीं माँ, मेरा जाना बहुत जरूरी है, मैंने मुन्ने को दवाई और दूध दे के सुला दिया है, मुन्ना सुबह तक नहीं उठेगा। मैं चलती हूँ माँ। एक औरत का अकेले जिंदगी गुजारना कितना कठिन है, कितनी दुश्वारियाँ आती हैं, कितनी रुकावटें आती हैं, एक माँ ही जानती है अपने बच्चे से दूर होने का दर्द। सुबह से रोते रोते मेरा मुन्ना कितना बीमार हो गया, मेरे दिमाग में नहीं आया कि मुन्ना क्यों रो रहा है। मुन्ना तो कभी बेवजह नहीं रोता। काश मुझे सविता आंटी पहले मिल जाती, तो मैं मुन्ना को पहले ही माँ के पास ले आती। मेरा मुन्ना अब जाके सुकून से सोया है, तब मेरी रात भी सुकून से गुजर जाएगी। पहले तो मैं भूत प्रेत पे यकीन नहीं करती थी, लेकिन अब बात मेरे मुन्ना की है, तो मुझे यकीन करना होगा कि चुड़ैल है, वरना मैं चुड़ैलों को नहीं मानती। लेकिन सविता आंटी ने कहा है कि नूरी चुड़ैल है, इस कुएं में उसकी मौत हुई थी।
वो यह छोटे बच्चे को अपना बच्चा समझ के उसको अपने साथ ले जाना चाहती थी, इसलिए मैंने अपने बच्चे की जान बचाने के लिए उसको माँ के पास छोड़ा। ऊपर वाले का लाख लाख शुक्र है कि सुबह हो गई और मेरा मुन्ना खैरियत से है। अब माँ के पास जाती हूँ मुन्ना अपना लेने। मेरा मुन्ना मुझे कितना याद कर रहा होगा, मुझे कितना याद करके रो रहा होगा। आज तक मुन्ना मेरे बगैर एक पल भी नहीं रहा, लेकिन अभी सवाल उसकी जान बचाने का था तो मुझे मुन्ना को छोड़ना पड़ा माँ के पास। अगर मैं अपने मुन्ना को माँ के पास छोड़ के नहीं आती तो मैं अपने मुन्ना को हमेशा हमेशा के लिए खो देती, जो कि मुझे बिल्कुल मंजूर नहीं था। आज मैं बहुत खुश हूँ कि मैंने अपनी थोड़ी समझदारी से, थोड़ी सी अकलमंदी से अपने बच्चे की जान बचा ली। अगर मैं घबरा जाती, डर जाती तो नूरी मेरे बच्चे को नुकसान पहुंचा देती, उसको अपने पास ले जाती। पता नहीं मेरे अंदर कहाँ से इतनी सारी शक्तियाँ आ गई जो मैंने अपने बच्चे की जान बचा ली। सही कहते हैं, जब माँ अपने आप पे आती है तो किसी से भी लड़ जाती है। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स, अगर आपको मेरी आज की ये स्टोरी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। तो अभी जाइए, जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मुझे ढेर सारा प्यार दीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया तो इंतजार किस बात का, अभी जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।